कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके YouTube चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं BDP प्रोग्राम यानी कि BA, BCom, BSc प्रोग्राम के अंतर्गत आपको एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स पढ़ना होता है समुदाय के लिए पोषण या ANC 01 के नाम से इसको जाना जाता है। तो थोड़ा सा जब हम इसके बारे में बात करें, थोड़ा सा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ लें। जब हम BDP शब्द बोलते हैं तो इसमें तीन प्रोग्राम आते हैं बेसिकली, BA, BCom, BSc। और ये जो तीनों प्रोग्राम हैं इनका जो स्ट्रक्चर है क्रेडिट बेस्ड है और 96 क्रेडिट्स तीनों साल में होते हैं यानी कि 32 क्रेडिट ईच ईयर होते हैं, ठीक है। और इस तरह से 32-32 क्रेडिट प्रतिवर्ष के हिसाब से तीन सालों में आपको 96 क्रेडिट पढ़ना होता है। और ये जो 96 क्रेडिट होते हैं इनमें फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं और एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं जिनकी हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं। और उसी में से एक पाठ्यक्रम है ANC 01। तो अगर हम BA प्रोग्राम की बात करें तो इसमें आपको फाउंडेशन कोर्स में 24 क्रेडिट पढ़ना होता है और इसके बाद फिर इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं और फिर फाइनली एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स होते हैं जिसमें से 8 या 16 क्रेडिट आप एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो कोर्स हैं वो ले सकते हैं। सेम यही स्थिति BCom और BSc प्रोग्राम में भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 8 या 16 क्रेडिट का एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स लेना होगा और वो आप इसको व्यवहार मूलक पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। वो 8 या 16 क्रेडिट के लिए कोर्सेज पहले से डिसाइडेड हैं, उसमें एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्सेज की पूरी एक लिस्ट है, उसको आप देख लीजिएगा। तो प्रमुखता है जो कोर्स विद्यार्थी लेते हैं उनमें कुछ लोग ACC 1 लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, कुछ लोग ANC 1 लेते हैं न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी, कुछ लोग ANC 1 लेते हैं न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी और इसमें से कुछ लोग ACS 1 भी लेते हैं कंज्यूमर स्टडीज़। तो आप इसमें देख लीजिएगा, इसमें 12-13 कोर्सेज होते हैं उनमें से कोई भी 8 या 16 क्रेडिट का जो भी आप पढ़ना चाहें एप्लीकेशन ओरिएंटेड में। अगर आपने 8 क्रेडिट पढ़ना है तो फिर इलेक्टिव कोर्सेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे, 16 क्रेडिट पढ़ना है तो इलेक्टिव कोर्सेस आपके कम हो जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप BA पढ़ रहे हों, BCom पढ़ रहे हों, BSc पढ़ रहे हों, कोई भी कोर्स कर रहे हों आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स पढ़ना पड़ेगा और उसकी जो क्रेडिट होगी वो 8 या 16 क्रेडिट का होगा। यानी कि आप 1 या 2 एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स पढ़ेंगे, 8-8 क्रेडिट के आप 2 पढ़ सकते हैं, अगर 1 पढ़ना है तो 8 क्रेडिट का 1 पढ़ सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कौन कौन से एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग क्या लेते हैं, जैसे कि ACC 1 है, ANC 1 है, ACS 1 है, कुछ लोग BSDA 101 भी लेते हैं समाचार पत्र से संबंधित है, कुछ लोग मीडिया से संबंधित BGU 1 भी लेते हैं। तो ये आपकी रुचि पे निर्भर करता है, आप इसको सर्च कर सकते हैं यूनू की वेबसाइट पे, प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। तो जो मेन बात हम आज करने जा रहे हैं, हम ANC 01 की प्रिपरेशन के हिसाब से आपके लिए कुछ वीडियोस दे रहे हैं और हम थोड़ा सा इस पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे, बच्चों क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम जो इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके पैटर्न की बात करेंगे और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। ये जो आपका पाठ्यक्रम है ANC 01, इसमें लगभग 20 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो उनको आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस पाठ्यक्रम में क्या चीज़ें कवर की जाती हैं और इसको अच्छे नंबर लाने के लिए आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो देखिए, एक तो जो लोगों के मन में धारणाएं हैं वो ये हैं कि इस जो पाठ्यक्रम है इसमें नंबर कम आते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है और ये एक तरह से विज्ञान है और इसको समझने में परेशानी होती है, याद करने में परेशानी होती है और शब्द सीमा भी नहीं समझ में आती कि प्रश्नों का उत्तर कितने शब्दों में लिखा जाए और घर बैठ के क्या इसकी सटीक पढ़ाई हो सकती है। इसके बारे में भी बहुत सारे लोग अपना अपना मत देते हैं। ये भी लोग कहते हैं कि इस पूरे पाठ्यक्रम में चूँकि ये बहुत लेंदी सिलेबस है तो क्या पढ़ें क्या छोड़ें इसके बारे में कहीं स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता है और बहुत लोग यही बोलते हैं कि ऐसे पाठ्यक्रम को रखने की क्या आवश्यकता है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो इन सभी बिंदुओं पे हम आपको बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये पाठ्यक्रम है ये न केवल BA प्रोग्राम के लिए है, BCom और BSc के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं और जब इसका एग्जामिनेशन होता है तो 100
मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, इसमें 3 घंटे आपको समय मिलता है और 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का जवाब लिखना होता है। ये बात गौर करने वाली है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहाँ पे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 5 का ही जवाब आपको लिखना है। लेकिन प्रश्न संख्या 1 जो पहला वाला क्वेश्चन है वो अनिवार्य होता है, और अन्य विषयों के पेपर के विपरीत इसके प्रश्न में अनेक छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, यानी कि छोटे छोटे खंडों में क्वेश्चंस होते हैं, और उत्तर लिखते समय आपको समय का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार प्रश्न छूट जाते हैं, क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होती है, समय कम होता है। तो जो इसमें आपको इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो जो पहला मिथक लोगों के अंदर है कि इस कोर्स में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को आप सीरियसली समझें और चैप्टर्स वाइज उसको पढ़ें, तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। बच्चे क्या करते हैं, सामान्य तौर पे बच्चे क्या करते हैं कि जब किसी कोर्स को पढ़ते हैं तो किताबों को थोड़ा सा शुरू में पढ़ा, थोड़ा सा बीच में पढ़ा, फिर थोड़ा सा लास्ट में पढ़ा, और फिर इस तरह से पेज पलट के उसको रख देते हैं, इंटरेस्ट वहीं पे उनका ख़त्म हो जाता है। तो ये हैबिट आपको नहीं डालनी है, जो भी चीज़ पढ़िए अच्छे से पढ़िए और शुरू से आखिर तक पढ़िए। तो आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं सिक्वेंशियल में पढ़ने हैं, पहला पढ़िए, दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए, इस आर्डर में पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपने पहला पढ़ा और लास्ट में पढ़ा फिर आपको लगाया ये तो कुछ ठीक लग नहीं रहा, चलो इसको छोड़ो, दूसरा टॉपिक, दूसरा कोर्स उठा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको तरीके से पढ़ना है, और जो इसके क्वेश्चंस हैं लगभग सभी चैप्टर से पूछे जाते हैं। आप ऐसा भी नहीं है कि आप स्किप कर देंगे, अगले चैप्टर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हैं अभी हम आगे आपको दिखाएंगे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस लगभग सभी चैप्टर्स से आते हैं, इसलिए आपको सभी चैप्टर्स पढ़ने होंगे। और जो प्रश्न है काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और ज़्यादातर में परिभाषा है, उदाहरण है, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। और आप एक बड़ी अच्छी चीज़ इसमें आपको देखेंगे कि जो आप सामग्री पढ़ेंगे इसके अंदर, जो इसका कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सुनी हुई चीज़ें हैं, जो आप रोज़मर्रा कि जिंदगी में जिनसे रूबरू होते हैं वही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपसे शेयर कर रहा था कि इस कोर्स में आपको जो चीजें मिलेंगी बिल्कुल आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजें मिलेंगी जब आप पढ़ेंगे, तो इसमें आपको भोजन से संबंधित, बीमारियों से संबंधित इस तरह से टॉपिक्स मिलेंगे, आहार के चार्ट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, गर्भवती महिलाओं को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब बहुत ऐसे टॉपिक हैं जो ऑलरेडी आप जिनसे परिचित हैं, बस आपको एक बार इसको पढ़ के एक तरह से रिवीजन कर लेना है। तो ये आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है, और इसमें अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग सभी चैप्टर्स से आते हैं, तो आपको सभी चैप्टर्स पे समय देना होगा, और आप इसके लिए नोट्स बना सकते हैं छोटे छोटे। जो मैं आपको अभी क्वेश्चंस दिखाऊंगा उसको जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नोट्स में आपको किस तरह के क्वेश्चंस को लेने होंगे। और एक चीज़ और है कि जब आप ओल्ड क्वेश्चंस पेपर्स को पढ़ेंगे, मैं ये पीडीएफ फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड करिएगा। तो जब आप पुराने 3-4 वर्षों के क्वेश्चंस पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको एक ये भी आइडिया लगेगा, एक तो ये तो पता चलेगा ही प्रश्न किस तरह के आते हैं, प्रश्नों का स्ट्रक्चर क्या है, स्वभाव क्या है प्रश्नों का। दूसरा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं, यानी कि जब आप विभिन्न 2 या 3 सालों क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो निरंतर रिपीट हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो इग्नू के एग्जाम होते हैं वर्ष में 2 बार होते हैं, एक बार जून में होते हैं, एक बार दिसंबर में होते हैं। तो कोई क्वेश्चन अगर 2016 में पूछा गया है तो वो 2017 में भी पूछा जा सकता है या पूछा गया है, ऐसा आप देख पाएंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन जून के एग्जाम में पूछा गया हो और फिर अगले दिसंबर में फिर से पूछा गया हो। तो इस तरह से जो प्रश्न है वो रिपीटेटिव नेचर के हैं, ये भी आपको यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, ये जैसे जून 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, देखिए इसमें कुल 5 प्रश्न आपको करना होता है, सभी समान अंकों के होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपको जब अध्ययन करेंगे, एक तरह से वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो लोग तैयारी करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की, क्वेश्चंस के आंसर छोटे छोटे होते हैं और उस तरह से आपको पढ़ना है। जैसे कि विटामिन और खनिज, लवण डैश डैश और डैश डैश कार्य करते हैं, या दालों में डैश डैश एमिनो अम्ल नहीं होता, विटामिन डी डैश डैश विटामिन भी कहलाता है। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इस तरह के आते हैं, फिर
हृदय रोगों के खतरे के कारक, लौह तत्व के अवशोषण में बाधक, खाद्य उपसाधन वृद्धि। तो फ्रेंड्स, ये जो आप फाइल देख रहे हैं ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और इसके अलावा मैं एक वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ जिसमें मैंने बहुत पहले ANC 01 के लगभग 5 सालों के क्वेश्चन पेपर की PDF फाइल आपको दी थी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ें आपको साफ ना दिख रही हों। तो अब इसके बाद इस फाइल में क्या खास बात है कि यहाँ पे हर एक चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जैसे कि भोजन पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस एग्जाम में पूछे गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। भोजन विभिन्न खाद्य पदार्थों का जटिल सम्मिश्रण है, उचित उदाहरण देते हुए कथन की पुष्टि कीजिए, जून 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भोजन के कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पोषण में संतुलन की संकल्पना का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आयामों की चर्चा कीजिए। तो इधर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कब ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चैप्टर वाइज किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, कब पूछे गए, इस फाइल से आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पोषण से संबंधित कई क्वेश्चन आए हैं। पोषण स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ रूप से अंतर संबंध है, स्पष्ट कीजिए। कुपोषण पर टिप्पणी लिखिए। पोषण और स्वास्थ्य के अंतर संबंधों के 3 पहलुओं के नाम बताइए। तो कहने का आशय ये है कि इस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किन चैप्टरों से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी क्रम में आपको प्रिपरेशन करना है। और जो इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिए हैं विभिन्न एग्जाम्स के, उससे भी आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो आज के जो वीडियो का मेन उद्देश्य था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किस तरह से आपको इस पाठ्यक्रम की तैयारी करनी है। ANC 01 समुदाय के लिए पोषण, ये पाठ्यक्रम का नाम है और ये BA BCOM BSc के विद्यार्थियों के लिए होता है और ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड पाठ्यक्रम है। कुछ लोग 8 क्रेडिट का पाठ्यक्रम लेते हैं, कुछ लोग 16 क्रेडिट का लेते हैं। तो आप इसको इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद इसके जो लगभग 20 चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स के छोटे छोटे वीडियोज़ हम लेके आ रहे हैं। 10 मिनट 12 मिनट में जितना कंटेंट कवर हो जाएगा वो हम आपको बता देंगे कि इस चैप्टर में आपको ये चीज़ पढ़ना है, और कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनके उत्तर भी हम आपको बता देंगे। कुछ PDF फाइल्स भी आपको दे देंगे जिससे आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छे से प्रश्नों के उत्तर लिख पाएँ, आप अच्छे नंबरों से परीक्षा को पास कर सकें। तो एक ये हमने कोशिश की है, और आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है उसको देखते हुए फिर आगे हम इस पर काम करेंगे। तो आप अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये हमारी पहल अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फिर हम आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे हैं, और जल्दी ही हम आपको पहला वीडियो जो है इसका, ऑलरेडी 2 वीडियो हमने इस पर डाले हुए हैं, और अब हम PDF फाइल से एक वीडियो और लेके आ रहे हैं चैप्टर के हिसाब से। तो इंतज़ार कीजिए आप, और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।